ग्रेट्स में अब आपका नाम जोड़ा जा रहा है, देश के लिए मेडल जीता आपने ओलंपिक में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, हिब्बत तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता, तो क्या आपके सामने जितने भी एक ऑपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी देखो ये आपके सामने टिके नहीं, ऐसा क्या था आपके गेम में और आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे कि भाई भाई पहले तो 2-4 मिनट नंबर नहीं देना किसी का, वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए, इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूं, अभी ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4-5-6 तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से, ये अंदर कहीं भी था चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था, मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लम मेरे मन में 2-3 और होती तो ठीक से, मतलब एक लम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल, और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे, और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होते आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। और उसने भारत के लिए यहाँ मेडल जिता दिया है, कितने बड़े राहत की सांस है कि एक बार फिर कुश्ती इससे मेडल आया है जो कि 2008 से लगातार आ रहा है? राहत की सांस नहीं और खुशी की भी बात है, और लोकबाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज़्यादा लगाते हैं, और थोड़ा बहुत ही हमें जैसे पहले दूसरे दिन निशा दहिया का और विनेश के साथ क्राइसिस हो गया, उससे थोड़ा अफसोस हुआ, उसके बाद अंतिम और अंशु लूज कर गई थी, थोड़ा कहीं के मन में अफसोस था, लेकिन आज अमन हमारी उम्मीदों पे देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उसी में आपका वजन बढ़ गया था तो पूरी रात आप मेहनत करते रहे, और क्या था वो पूरा प्रोसेस और अमन पूरा क्या क्या किया, एक्सरसाइज किया आपने, क्या क्या किया पूरी रात ताकि उनका वजन वापस से बैक टू? कल जब शाम को कुश्ती खत्म हुई है उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज्यादा था अमन का, 161 किलो वजन था, तो उस टाइम क्या हुआ 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल खत्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यही ले लिया था मैट पर ही, उसके बाद हम करीबन 10-10:30 बजे हम विलेज में चले गए, 1 घंटा इसने रेस्ट किया, 12-12:30 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था, तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू, उसके बाद 1/2 घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2, 4-4 मिनट के सेशन 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के, उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया, ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी शहद नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे, एक एक कप का हमारा वो था कि ताकि पावर मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे, फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वजन चेक किया करीबन 3 बजे 3:30 बजे तो इसका 900 ग्राम वजन जब भी कम नहीं हुआ था, तो 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दे के इसकी मसाज वगैरह करके उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया, अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था, तो हमने वही रखा 5-5 मिनट के सेशन स्पीड वर्क के दे दिए ट्रेडमिल पे और 2-2 मिनट के सेशन दे दिए हमने सोनाबाद के।